नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है सभी ताजा खबरों की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की यात्रा एवं उम्मीद विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के द्वारा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तकनीकी सहयोग से आज 3 जुलाई को आयोजित होगी। इस वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज वोट पड़ेंगे। वोट के वक्त कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन किया जाएगा, जहां आज शाम को ही नतीजे भी आ जाएंगे। आज खुल रहा है सबसे कम लागत वाला NFO। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल के नवी म्यूचुअल फंड के सबसे कम खर्च अनुपात वाला नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। कोविड-19 के खात्मे और संभावित तीसरी वेव के मुकाबले के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे विशेष प्रयासों के तहत आज बठिंडा जिले में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जहां 30,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति एक्सप्रेस आज से फिर शुरू होगी। MP में आज वैक्सीनेशन का विशेष महाअभियान आयोजित किया गया है, जिसमें सिर्फ कोवैक्सीन के सत्र आयोजित होंगे। इसमें पहला डोज लगा चुके नागरिकों को सिर्फ दूसरा डोज ही लगाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पदों पर आवेदन की आज अंतिम डेट है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में सत्ताधारी JDU के पूर्व विधायक मंजीत सिंह आज 3 जुलाई को लालू की पार्टी RJD में शामिल हो सकते हैं। विधायक मंजीत सिंह को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री, पूर्व मंत्री और नेताओं की फौज उतार दी है। मंजीत सिंह JDU के उन नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो आंकड़े के आधार पर किसी भी नेता या पूरे विपक्ष को अकेले घेरने में मादा रखते हैं। आज बल्लभगढ़ फ्लाईओवर के नीचे वाली दोनों सर्विस रोड बंद रहेगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम नहर पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण शनिवार को नेशनल हाईवे ने दोनों सर्विस लेन बंद कर दिया है। यूपी के बदायूं में आज हल्के व भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव है और इसके लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। योगी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यहां कंपनियों को जमीन आवंटन का काम पूरा हो चुका है। बिहार समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के इस्तीफा प्रकरण को लेकर कांग्रेस विधान पार्षद समीर कुमार सिंह ने कहा कि मंत्री मदन सहनी को अपने पावर का एहसास ही नहीं है, वरना अफसर तो टकुआ की तरह सीधा रहेंगे। सुनिंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। पंजाब में बिजली संकट के कारण अब सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकेंगे, जबकि एयर कंडीशन के प्रयोग पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने स्नातक और स्नातकोत्तर की सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाएं 13 जुलाई को लेने का फैसला किया है। हालांकि परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है। उत्तराखंड में शिक्षकों व कर्मचारियों के 1,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की कसरत तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने 455 शिक्षकों समेत अन्य पदों पर भर्ती को राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य के गरीब बच्चों के बीच स्मार्टफोन लैपटॉप देने संबंधित झारखंड पुलिस की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर पूरी तरह से उतरने में लगभग 1 सप्ताह का वक्त लगेगा। छत्तीसगढ़ में भारत के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन उत्पादक वेदांता समूह द्वारा पोषक महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, पशु कल्याण और बुनियादी स्तर के खेलों पर ध्यान देने के साथ ही राज्यों में गांव को कोरोना महामारी से मुक्त के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। मुरैना में ड्राइवर के सेवानिवृत्त होने पर SDM राजीव समाधिया खुद गाड़ी ड्राइव कर उन्हें घर तक छोड़ने गए। हिमाचल प्रदेश में स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया के महासचिव रूप में चंद्र नेगी को 16वीं एशियाई स्की फेडरेशन कांग्रेस में काउंसिल का निदेशक नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के NH-44 पर स्थित बनिहाल काजीकुंड टनल के सफल परीक्षण के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने में इसे यातायात की आवाजाही के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। भारत बांग्लादेश बिजली परियोजना को कोलकाता बंदरगाह से कोयले की पहली खेप जल्द भेजी जाएगी। ओडिशा में ऑफलाइन वार्षिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 30 जुलाई से शुरू होकर अगस्त 5 तारीख तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख 5 से 14 जुलाई रखी गई है।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी में सभी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उनका फैसला सभी को मंजूर होता है। जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति का सवाल है, तो मुझे पार्टी ने महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता का जिम्मा दिया है, जिसे मैं मजबूती के साथ निभा रहा हूँ। गुजरात में सरकार व पुलिस प्रशासन की समीक्षा बैठक के बाद अखाड़े व भजन मंडली झांकियों के बिना जगन्नाथ रथ यात्रा की मंजूरी मिल सकती है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 3 कर्मियों पर शिकंजा कसा है। ब्यूरो की अलग अलग टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण के अभियंता निर्मल गोयल, जोधपुर के पुलिस थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा और चित्तौड़गढ़ के जिला परिवहन अधिकारी मनीष कुमार के 1.5 दर्जन ठिकाने पर छापेमारी को अंजाम दिया है। कब्ज के लिए रामबाण दवा है अलसी के बीज। इसके लिए अलसी के बीज को भूनकर पीस लें। इसके बाद रोजाना रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अलसी पाउडर को रख दें। सोने से पहले पानी को छान कर पिए, इससे कब्ज में जल्द आराम मिलता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुंबई ने विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL को 2022 के सत्र के लिए 2 नई टीमें मिल सकती है। हालांकि फ्रेंचाइजी खरीदने वालों के लिए ये थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को ईडी ने नोटिस भेजा है और 7 जुलाई तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। तो ये थी इस वक्त की सभी ताजा खबरें, और ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल News24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसी अंदाज में आपको ताजा तरीन खबरें मिलती रहे।